सवाल जीत हार का है और रण सत्र जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का कैंपस। इस बार छात्र संघ के चुनावी सत्र को रण सत्र ही माना जा रहा है। इसकी पहली वजह है चुनाव 2 साल बाद हो रहे हैं। दूसरी वजह यहां भी जोर बाकी का समीकरण प्रदेश की राजनीति की माफी की है। बात करेंगे छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए शुरू हुई चुनावी जंग की, जिसमें जीत हार के लिए घोड़े की रफ्तार आंकी जा रही है। ऐसे में किसके सर चुनावी सेहरा सजेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सियासी समीकरण की बात करें तो SFI के अरविंद सिंह का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि निर्दलीय खड़े हुए मोती सिंह ने अपना नामांकन वापिस ले लिया। ऐसे में राजपूत उम्मीदवारी का राजनीतिक रूप से पलड़ा भारी हो गया है। एबीवीपी से मैदान मारने उतरे राजवीर माता के सामने NSUI से हरेंद्र चौबी मुकाबले में खड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक हरेंद्र जमीनी मतदाताओं से जुड़े हैं, लेकिन सियासत में जाति का बड़ा फैक्टर माना गया है और ऐसे में हरेंद्र के सामने अरविंद का चेहरा टक्कर देने के लिए काफी है। अब बात वोटों की, जो सियासती समीकरणों को जानने के लिए जरूरी है। JNU में 6 फैकल्टीज है जहां वोट पड़े। विज्ञान संकाय में 2,817 मतदाता है। कला संकाय में 3,919, विधि संकाय में 1,521, वाणिज्य संकाय में 2,768, सायंकाल संकाय में 1,536 और केन कॉलेज में 4,688 मतदाता है। इस तरह कुल मतदाता 17,249 है, जो इस बार JNU में चुनाव का भाग्य तय करने वाले हैं। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि विभाजन हमेशा हताशा देता है और एकता बल पैदा कर जाती है। कुछ ऐसा ही इस बार छात्र संघ के चुनावी समीकरण का है। देखना दिलचस्प रहेगा टिकड़ी में सियासी बाजी किसके हाथ लगती है। NBN हिंदी के लिए विक्रम दत्त की रिपोर्ट।